हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ दाल और चावल का बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। हम यहाँ पर एक गिलास चावल ले लेंगे और चावल का आधा हम चने की दाल ले लेंगे। अब हम दो तीन पानी से इसको अच्छे से धो लेंगे। अब हमने दाल और चावल को दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल के दो तीन घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। दो तीन घंटे हो गए हैं, दाल अच्छी तरह से भीग गई है। अब इसका हमने पानी भी छान लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे। अब इसमें हम नारियल के पीस डाल देंगे काट के, जिस नारियल को मैंने पहले से भिगा के रख दी थी। अब दाल बहुत अच्छी तरह से पीस गई है। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से इसे हम दो तीन मिनट तक फेंट लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, जब तक इसके लिए हम चटनी बना के तैयार करेंगे। पैन में एक चम्मच हम तेल डाल देंगे, फिर इसमें हम चने की दाल डाल देंगे। कलर चेंज होने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। दो तीन इसमें हम सूखी मिर्ची डाल देंगे, दो तीन पत्ती हम करी पत्ते की डाल देंगे। इसे हम मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे और बारीक कटा हुआ इसमें हम नारियल डाल देंगे, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। पांच छह हम इसमें लहसुन की कली डाल देंगे, इसे भी हल्का सा सबके साथ रोस्ट कर लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है, अब जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे। एक चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम पानी डाल के इसे हम पीस लेंगे। मैं इमली डालना भूल गई थी, अब इसमें हम इमली डाल के पीस लेंगे। अब इसको हमने चिकना पीस लिया है, अब ये गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब इसमें हम तड़का लगा के डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए गाइस, ये चटनी बन के तैयार है। अब देखिए बैटर भी हल्का सा थोड़ा सा फूल गया है। अब हम नाश्ता बना के तैयार करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम खाने का सोडा डालेंगे। ये अभी गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब दो तीन मिनट तक इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसका हम नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। अब तवे में हल्का सा तेल लगा के हम इसमें बैटर डालेंगे और हल्के से इसे हम फैला देंगे। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा जालीदार बन के तैयार होगा। अब एक मिनट के लिए ढक देंगे, ऊपर से हम हल्का सा तेल लगा देंगे। अब पलट कर हम दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे। ये हेल्दी नाश्ता बन के तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। उम्मीद है ये हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।